What's up guys? Welcome back to another vlog. बहुत ही शानदार रोड जर्नी हमारा हो रहा है. We are traveling to Bicester village and then we'll head over to Manchester. We are driving an SUV and London से exit में आज काफी ज्यादा time लग गया. एग्जिट पे नहीं, एक्चुअली हमारे पिकअप पॉइंट में पहुंचने में काफी टाइम लग गया. काफी टाइम लगा हमें ये समझने में रोड रूल्स. आई एम स्टिल फॉलोइंग द रूल्स. स्लो इज प्रेडिक्टेड. इफ वी आर लकी जो हम लोग एडिनबर्ग ड्राइव कर रहे हैं वो ड्राइव बहुत सुहाना हो सकता है इफ वी आर पासिंग थ्रू स्लो. बट नेवरदलेस लाइक यू नो अभी तक तो सब कुछ मजा आ रहा है एंड एंजॉय द व्यू. मोयर मॉडल गाड़ी को गर्म करके मस्त बैठे हैं, मजे कर रहे हैं. अभी म्यूजिक बस चल रहा है. बस अभी आप लोग को बाय बाय कर रहे हैं गाइस. हम लोग और म्यूजिक चलाने वाले. यस तो गाइस हम लोग एक गैस स्टेशन आए थे. हमारा अभी वो आउट ऑफ डीजल. मुझे 20 मिनट तक फिगर आउट करने में लग गया कि एक मशीन काम ही नहीं कर रहा था. फिर मैं पहली बार लाइफ में अपने तेल भरा हूँ और तेल भर के अभी हम लोग अंदर में जो स्टोर है उसमें आए हैं एंड वी हैड आवर फर्स्ट कॉफी. तू क्या ले लिया इतना कुछ? तेरे लिए लिया चिप्स है. ठीक है, इसका पे करना है. डोरिटोस है, मैंने अपने लिए एक रोल ले लिया. ठीक है गाइस, मॉन्स्टर इन द हाउस. पूरा फ्लेक बनता है नमन, देखियो जब बर्फ आके गिरता है ना वो फ्लेक दिखेगा. अरे बाप रे, बिल्डिंगों पे बर्फ है पूरी जमी. स्नो शीट एंड ऑल हो गया इधर. अनिवेश कैसा लग रहा है? गाइस अमेजिंग फीलिंग. आप एक बार देखो हमारे सामने क्या हो रहा है. इट्स लिटरली स्नो फॉलिंग. एकदम ऐसा लग रहा है फेस पे. सो आई हैव लाइक स्लोड डाउन वेरी मच फ्रॉम द नॉर्मल स्पीड. ओ भाई क्या स्नो फॉल हो रहा है. एंड इट्स प्रॉपर फकिंग स्नो फॉल. भाई क्या फील है बे. गाइस मैंने ड्राइव कर रहे हैं, पार कर रहे हैं, स्नो फॉल हो गई है. ओके गाइस, तो हम बाइसेस्टर विलेज पहुंच चुके हैं. मैं अभी आपको बाइसेस्टर विलेज के अराउंड थोड़ा दिखाऊंगा. लाइक इट्स एक्चुअली अ विलेज, मतलब बोल सकते हैं ऐसा टाउन टाइप का बना हुआ है. चाहे यू जस्ट वॉक 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 एंड देन यू हैव स्टोर्स. अभी तो स्टोर्स आए नहीं, चलो जब स्टोर्स पे पहुंचेंगे तब मैं आपको दिखाता हूं. अभी मेरे हिसाब से मैं सही जा रहा हूं, आई एम नॉट श्योर बट चेक करता हूँ. आई थिंक सही जा रहा हूँ. अभी हम गुच्ची का स्टोर ढूंढ रहे हैं एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू शॉप, स्पेशली यू नो डिस्काउंटेड आइटम्स के लिए. काफ़ी अच्छा जगह लगा मुझे. तो अभी मैंने अपने लिए प्राडा से दो टी शर्ट्स लिए, मॉम के लिए टोरी बूट से एक मैंने बैग लिया. अब मुझे गोल्डी भाई के लिए और कुछ लोगों के लिए अपनी आपकी भाभी के लिए थोड़ा छोटी चीज़ें लेनी है और डैड के लिए कुछ कुछ चीज़ें लेनी है. गाइस फुल स्नोफॉल हो रहा है, फुल शॉपिंग चल रही है, लेकिन क्योंकि एक ही मौका है जो कर सकते हैं कर लेते हैं. लेट्स गो टू हैकेट मॉडर्न. यहाँ गांड पाने वाला है. गाड़ी भर के नहीं, गाड़ी का बम भूसड़ा भर के शॉपिंग हुई है. NH630 हमारी गाड़ी में थोड़ा आइस लगा हुआ था जो अभी थोड़ा मेल्ट हुआ है. आगे तो पूरे गाइस फिगर आउट करते हैं अंदर घुस के कैसे ठीक करना है. सो दैट्स इट फ्रॉम बाइसेस्टर विलेज गाइस. सी यू इन मैनचेस्टर, हैव फन. सो गाइस फाइनली रोड ट्रिप काफी एक्साइटिंग हो गया है. धुंधलेदार बर्फ और बारिश के बीच में मैं और नमन माथुर निकले हैं इंग्लैंड के यूके के हाईवे पे सैर करने रात को 8 बजे ऑलमोस्ट. नहीं 7 बजे ऑलमोस्ट. हमारा जर्नी अभी भी 150 माइल यानी कि 225 किलोमीटर और दूर है. हम लोग ने आज बहुत अच्छा शॉपिंग किया. मेरे लिए ड्राइविंग जो अभी मैं कर रहा हूँ बहुत ही नए. ड्राइविंग मैं 12 साल से, मतलब कितना 8 साल से कर रहा हूँ सिंस आई एम 18. तो बट ये जो एक्सपीरियंस है ऑफ दिस इट्स कम्प्लीटली न्यू. And it's real fun. And I think जो अगला ट्रिप होगा हमारा जो आगे एडिनबर्ग में है परसों से वो बेटर होगा बिकॉज आई फील मोर रिलैक्स एंड कम्फर्टेबल एंड नॉट टायर्ड ऑल्सो. लाइक आज बाइसेस्टर में हम लोग को बहुत घूमना पड़ा, बहुत शॉपिंग किया, बहुत घूमा है. राइट, हर एक दुकान में घुस रहे थे, हर एक स्टोर में. राइट, एंड वी हैव ऑल्सो डिसाइडेड कि यार उस दिन अर्ली क्लिक करेंगे ताकि जो हमारा फ्री डे है उस ट्रिप का उस दिन को अच्छे से मजा ले सके. आज हम लोग मैनचेस्टर में मिस आउट करेंगे. आई थिंक वी रीच बाय 10, सो नॉट मच टू डू एक्सेप्ट फॉर होटल के अंदर थोड़ा चिल कर लेंगे. बट आज तो चिल करना होगा मुझे, मतलब इट्स बीन लाइक टायरिंग एंड अ रफ डे थोड़ा. चलो गाइस सी यू, मिलते हैं नमन के चाची के घर पहुंचने के थोड़े देर पहले. बात बताओ, अगर आपकी हर सुबह ऐसी हो तो सिर्फ ये होटल के रूम से ही अच्छी लगती है. इट्स स्नोइंग हैविली इन मैनचेस्टर. मैं आपको भी अपना रूम टूर दूंगा बट इट्स क्रेजी स्नोफॉल. क्रेजी मतलब आई थिंक अगर ये स्नोफॉल चलता रहा तो एक घंटे में मैनचेस्टर वुड बी रैप्ड इन व्हाइट. और आज हमारा टूर है, मुझे बहुत डर लग रही है. हम ये वॉकिंग टूर कैसे करेंगे 4 आवर्स का. सो गाइज हमने अपना मैनचेस्टर टूर स्टार्ट कर दिया एंड वी हैव अ ग्रेट गाइड फॉर द डे. से हाय जीटो टू माय यूट्यूब फैम. यस, एंड वी आर गोना बी वॉकिंग अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ मैनचेस्टर और आज एक्सप्लोर करेंगे, गेटिंग टू नो मोर अबाउट मैनचेस्टर. मेरे लिए पहला बार एक्सपीरियंस है कि आई एम डूइंग अ गाइडेड टूर.
तो बहुत मजा आने वाला है। लेट्स जस्ट एक्सप्लोर द सिटी गाइस, सी यू। मैनचेस्टर को पहले कॉटनोपोलिस बोला करते थे, तो बिकॉज ऑफ द कॉटन वीविंग जो इन लोग गारमेंट्स में कन्वर्ट करते थे, लुक एट द मशीनरी, एंशियंट टाइम से है। आई हैव नेवर बीन टू अ टेक्सटाइल प्लेस, आई डोंट नो कि ऐसा दिखता है, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस। एंड लाइक पूरा कॉटन का एकदम दिखाया हुआ है कि क्यों वो है। एंड ऑल्सो गाइस जो हम लोग अभी वो देखे थे वेयर हाउस, आई थिंक ये वही है। यस, व्हाट्स वेयर हाउस, ये अब एक होटल है गाइस। जस्ट लुक हाउ बिग थोड़ा देसी टाइप है मतलब। This is the culture here. This is Manchester's oldest pub, and वहाँ पे आप देखो all real British fans. Crazy. Okay guys, so हमारे गाइड के बीच में, टूर के बीच में स्नोफॉल स्टार्ट हो गया और मेरी गाफ फट गई। होट तो फट गए, मतलब सड़क समझते हो गड्ढे के साथ जो सड़क होती है वैसा हो गया। और यहाँ पे ना ठंड रुक रही है ना बर्फ। गांड फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। लेट्स गो। देख वो आपको देखो एक और नवाबी जिसका नहीं घटे। इसको नहीं लेना था अम्ब्रेला। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़े गेमिंग स्टोर में कुछ गेमिंग का सामान लेने। गाइस हम लोग लिटरली गेमिंग गेमर्स के पैराडाइज में है। एंड इट इज सो ब्यूटीफुल, वी हैव गॉट ऑल सॉर्ट ऑफ गेम्स, सीडीज, क्या नहीं है, मतलब सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। पोकेमोन, माइनक्राफ्ट, ये देखो अमंग अस का सब कुछ है यहाँ पे। स्पेशल एडिशन समथिंग ग्लोइंग घोस्ट, व्हाट द हेल बे। ये पूरा देखो माइनक्राफ्ट का लामा, टीएनटी एंड ऑल। एंडर ड्रैगन, एंडर ड्रैगन क्या ये? अच्छा स्क्विच, स्क्विच मी, पोकेमोन बैटल डेक। तो यहाँ पे इस चीज़ का एक कॉन्सेप्ट है, दे लिटरली ये लोग ये कार्ड्स लेते हैं, ट्रेडिंग कार्ड गेम, एंड ये लोग खेलते हैं। इनके सेंटर्स है, जैसे हमारे यहाँ पे साइबर कैफेज है ना, इन लोग के यहाँ पे सेंटर्स है जहाँ पे वो लोग ट्रेडिंग कार्ड गेम्स खेलते हैं। मेरी तो फट गई ये चीज़ देख के, अनबिलीवेबल बे। ये देखो प्ले स्टे, क्या ये स्विच, निंटेंडो स्विच के केसेस है नीचे। लेजिट पैराडाइज। मर्सी अगर यहाँ रह रहा होता तो ट्रेडिंग कार्ड सेंटर में जाते ही गेम्स खेलने के लिए। लॉट ऑफ हेडफोन्स, ये लेको प्ले स्टेशन 5, प्ले स्टेशन 4, सबके गेम्स इतने सारे। हॉगवर्ट्स लेगेसी का पूरा पैकेज है वो। कैसा लग रहा है भाई ये चीज़ इंडिया में? नहीं होगा, नहीं होगा फॉर इयर्स टू कम। हम लोग को खुलना होगा। मैं तो गुंडी पे छाप ले थोड़े पैसे, 15-20 करोड़ लगा। ये कम से कम तो इंडिया में हम लोग करना चाहिए। टेस्ट टू बी आई थिंक 10-15 करोड़ इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट। एंड वो इन्वेस्टमेंट पूरा मतलब पता नहीं क्या होगा। गाइस ये क्रेज है पूरा आगे तक, कम से कम 500 मीटर्स तक। बेटिस के फैंस फॉर द यूरोपा लीग गेम, व्हाट एवर इट इज, इनसेन। ऐसा कल्चर डीपली फॉलोड में कहीं नहीं देखा। तो गाइज आज हम लोग फाइनली निकल रहे हैं स्कॉटलैंड के लिए। बहुत ही अमेजिंग ड्राइव होने वाला है। उसके पहले हम लोग जाएंगे मैन यूनाइटेड का स्टेडियम टूर करने। सो आप देख सकते हो वी गॉट दिस अमेजिंग प्रॉपर्टी एडवर्डियन मैनचेस्टर, जिसमें हमें और एक बार फ्री अपग्रेड मिला। इट्स टू अ स्वीट रूम, मतलब फ्री अपग्रेड्स का पूरा वो हो गया। मॉर्टल अभी अंदर नेचर्स कॉल ले रहा है। एंड इट्स लुक्स लाइक अ ग्रेट ब्राइट सनी डे फॉर ड्राइव एंड द टूर ऑफ मैनचेस्टर स्टेडियम। काफी ब्राइट है, दिस इज ब्यूटीफुल मैनचेस्टर एट यू कैन सी। Unlike London, I felt Manchester is very different. ये बात शायद मैंने पहले भी कहा, you know, it's like a little crowded, it's very commercial, and you know, मतलब it's a different vibe. But nevertheless, we had great fun in Manchester. One full day, काफी मजा किया. अब फटाफट भागते हैं ताकि हम लोग आज इस drive में late ना हो and we reach our destination pretty fast. Okay guys, so back to the driving seat. यहाँ पे भी motel आके बैठ जाएगा and we are heading to Old Trafford. Although we are a little late, so I need to see कि कितना time हमें लगेगा. But nevertheless. On way to Man U Stadium and then we are gonna head straight to Edinburgh. Let's go! Old Trafford, all the Man United fans assemble. आप देख सकते हो काफी लोग यहाँ नहीं आए होंगे। हम आपके लिए full tour लाए हैं Man United Stadium का, Old Trafford का। तो it's gonna be fun. काफी ही sunny day है, very beautiful day here in Manchester. You can see हमारे माथुर साहब को वहाँ पे, चेल्सी का फर्जी का चूड़ा। बट नेवरदीलेस चलते हैं गाइस अंदर, वी आर लेट। हम लोग अभी ज्वाइन करने जा रहे हैं 12:10 वाले ग्रुप को, तो थोड़ा रश करना होगा हमें। सो
गाइस दिस इज द बिगेस्ट स्टेडियम इन EPL विद 76,000 कैपेसिटी दैट इज ऑलमोस्ट 10,000 क्लियर ऑफ द नेक्स्ट बिगेस्ट स्टेडियम एंड अभी हम लोग जा रहे हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ दैट मेक्स मी वेरी एक्साइटेड गाइस दिस इज द ब्रांड न्यू ड्रेसिंग रूम भाई क्या लाइनअप है यार वर्क रियली वेल ओहो फैंस असेंबल एंड दिस इज द टैक्टिकल बोर्ड इन लोग का जहाँ पे द मैनेजर और द कैप्टन जो भी है अपने टैक्टिक्स बताता है और द रिस्पेक्टिव कोच और ये एकदम से लाइट द टूर गाइड ऑल्सो सेड वन मोर थिंग ये जो शटर है ये शटर के पीछे देर इज अ टीवी मतलब जैसे ये टैक्टिकल बोर्ड भी लगा हुआ है वैसे इसके पीछे एक टीवी है टीवी में भी दिखाते रहते कुछ ना कुछ ओह दिस इज द आइस बकेट आइस बात यहाँ पे लेते हैं रिकवरी एंड कूल डाउन गाइस पूरा फील है पीछे लेट्स गो कम ऑन बॉयज वी गॉट दिस सॉरी लेट्स गो इट्स अ ब्यूटीफुल मैच डे एंड द बॉयज आर कमिंग आउट अभी बातों में बहक के मैं पिच पे जाने वाला था वाह यार यहाँ का कुछ अलग बना हुआ है लुक एट दिस एलिवेशन भाई अलग बना हुआ है गाइस इट्स नेक्स्ट लेवल ब्यूटीफुल ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेडियम एंड वी आर जस्ट ये डायरेक्टर सीट्स है गाइस जहाँ हम लोग बैठे थे चेल्सी में बेटर था उससे इससे काफ़ी बेटर था बट नेवर्थिलेस गोइंग इनसाइड टू द प्रेस रूम हर स्टेडियम प्रेस रूम दिखाते हैं दिस इज व्हाट आई गॉट टू नो लॉर्ड्स में भी देखे चेल्सी में भी देखे दिस इज द ट्रॉफी वॉल And then this is the press room. यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के लिए मतलब एक तो हमारे फ्रेंड्स के लिए बेसिकली एक इसके फ्रेंड और एक हमारे फ्रेंड के लिए एक मामा के लिए ले रहे हैं और एक इसके फ्रेंड के लिए चलो लेट्स गेट इट इम्प्रिंटेड हाँ तो XXL गुल्डी भाई के लिए भी ले लेते हैं तो गाइस गुल्डी भाई के लिए भी ले लिए आई थिंक मैच डे था उसी लिए शर्ट प्रिंटिंग यहाँ हो रही है सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट देखते हैं कैसा क्यू है ओह ठीक है चलेगा खाली है सो हमारा शर्ट प्रिंटिंग चल रहा है फुल पावर बहुत सारे शर्ट प्रिंट हो रहे हैं And what is yes. done with yes. the metro part of Britain? Yes. Yes. We head straight up to Scotland. So guys, this is it. The end of Manchester. We are on our way to Scotland. And हमारा जो भी metro part of the वो था खत्म. I heard this is a very beautiful journey. We have left good time में करीबन 2 बजे निकले हैं. And we have 4 hours, 300 kilometers to cover. So full is gonna be fun. Thank you so much for watching, guys. Don't forget to hit the like, share, subscribe button. मेरे ब्लॉग में कोई कंटेंट मिसिंग है तो आपको मॉडल के ब्लॉग में डेफिनेटली मिलेगा. Do check out his blog. See you guys.